छठ पर्व का लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन ये उत्साह आज कम हो गई जब महंगाई की मार बाजारों में दिखने लगी। लोग छठ पर्व की खरीदारी करते नजर आए, लेकिन महंगाई के कारण उनकी खरीदारी कम ही हो सकी। आज खरना का दिन होने के कारण छठ व्रतियों के परिजन और छठ व्रती आज बाजारों में खरीदारी करते हुए देखे गए। महंगाई ने जहां आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है, वहीं छठ मैया के श्रद्धा पर भी महंगाई डायन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। छठ पर्व में फलों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, वहीं लोगों को इस पर्व में फलों को खरीदे बिना पूजा करना संभव नहीं होता है। आम दिनों में सेब 350 रुपये पेटी मिला करता था, वह आज 600 रुपये पेटी हो गया। संतरा 400 रुपये पेटी मिला करता था, लेकिन महंगाई की वजह से आज 600 रुपये पेटी मिला। वहीं केला 400 रुपये कांदी बिका, जबकि आम दिनों में यह अमूमन 200 रुपये में ही बिकता है। ऐसे में महंगे फल रांची के बाजारों में मिलने की मजबूरी के साथ छठ व्रतियों के परिजनों ने फल खरीदने में अपनी व्यवस्था बताई है। महंगा तो है, ये है महंगाई का है। कहाँ लिए, एक दर्जन केला लिए, आधा किलो सेब लिए और पाव संतरा 110 रुपये का तो हो गया। तो महंगा नहीं तो सहता है। सूप कहाँ 50 रुपये के, 100 रुपये के दिया है, तो सब चीज़ तो महंगा है। दिक्कत हो रहा है यानी जो महंगाई, तो महंगा में दिक्कत ना होगा। कहाँ 1000 रुपये में करेगा आदमी, तो 3000 लग जा रहा है, तो कैसे करबे ना करेगा। सब चीज़ तो महंगे मिल रहा है सर। क्या माने, कैसे परेशानी हो रही है क्या? परेशानी तो जिसका पास पैसा कम है तो उसके लिए तो परेशानी होबे करेगी। अब जो डांबा मिलता था पहले हम लोग 15-15 में, अब इधर 40-40 मिल रहा है। महंगाई मतलब महंगाई बढ़ गया है। अभी लॉकडाउन के चक्कर में बढ़ाया कि क्या किया, अब कैसे कहें। कैसे कर रहे हैं महंगाई, हर साल करते आ रहे हैं तो इस साल कैसे छोड़ेंगे। छठ करना है तो करना है, सामान कम खरीद रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे सामान, कमे कम में कर रहे हैं। बाजार में पिछले वर्ष की तुलना में छठ पूजा के सामानों में 20% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतें हैं। रांची के बाजारों में बाहर से आने वाले सामानों के कारण फलों में केला, नाशपाती, शरीफा और ईख सहित कई अन्य वस्तुएं बाहर से काफी महंगे दामों पर आने के कारण आम लोगों को महंगी मिल रही हैं। इसके कारण दुकानदारों को भी सामान में अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। दुकानदार भी अपनी व्यवस्था मुखर संवाद से बताना नहीं भूले। छठ पूजा का चलते जो है ना सर, छठ पूजा का चलते संतरा में 10 रुपया बढ़ गया, सेब में आपका 30 रुपया किलो पर बढ़ गया है, केला में तो अभी वही रेट चल रहा है 40 है। जो 40 बिक रहा था 40-50, वो 40-50 बिक रहा है। मतलब महंगाई हुई छठ को लेकर? हाँ महंगाई हुई सर। बिक्री पर असर पड़ रहा है पहले के अनुसार? असर कैसे नहीं पड़ेगा, जिसको 5 किलो लेना था सेब वो जो है सर आपका 3 किलो ले रहा है, 2.5 किलो ले रहा है। महंगाई छठ व्रतियों के लिए किसी असुर से कम नहीं दिखती, जो रांची के बाजारों में उनके सामानों को कम करती हुई दिखाई दे रही है। छठ घाटों में व्रती जहां फल से सजे दौरे लेकर जाते थे, उसमें महंगाई ने बहुत ही कमी ला दी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी छठ व्रत करने वाले व्रती अपने परिवार के साथ कम ही सही, लेकिन फलों और अन्य सामानों को खरीदते हुए नजर आए जो वो छठ घाटों पर ले जाएंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि महंगाई डाइन ही नहीं बल्कि छठ की पूजा पर कहीं ना कहीं प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण छठ व्रतियों में उत्साह तो है, लेकिन महंगाई के कारण वो व्रत को लेकर कहीं ना कहीं परेशान भी दिखाई देती हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।